hi everyone my name is pooja Rawat and i'm taking this series of current affairs on uh, the ard section that is the agriculture and rural development for the upcoming uh, upcoming nabad examination and we are done with 10 sessions this is the 11th session and you're watching it for the first time do watch the previous sessions these are really going to be helpful for your exam and uh, so, today we are going to discuss some schemes and portals related to agriculture and rural development. In case you are watching this for the first time, you can subscribe to our channel and press this bell icon for the latest updates. You can also join our Telegram channel. So, we upload their free quizzes and we answer your queries. You can post your queries there. Uh, let's begin our session.

की जा रही है तो ऐसा लग रहा है मे बी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने है, इसको लॉन्च किया हो बट दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट और सॉरी रॉन्ग ठीक है तो दिस स्कीम वाज़ लॉन्च बाय आईसीआर एंड इट एम्स टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इनकम एंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू रूरल यूथ एब्सल्यूटली करेक्ट ठीक है तो इसका काम ही यही है एम uh, ही ऑब्जेक्टिव यही है टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इनकम क्योंकि अगर आप देखें इंडियन एग्रीकल्चर सफ़र फ्रॉम दी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट लॉट ऑफ पीपल आर एंगेज आर एंगेज इन एग्रीकल्चर यू नो दीज आर नॉट एग्रीकल्चर में इतने लोगों की जरूरत है नहीं जितने की काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट बाय फार्म मैकनाइजेशन नहीं है लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर तो यहाँ कोशिश की जा रही है कि देर शुड भी अ गेनफुल इम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए देर शुड भी अ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द रूरल यूथ सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज बीन दैट इज द सेकेंड ओनलीट्स टॉक अबाउट इन डिटेल लेट्स डिस्कस दिस स्कीम सो दिस इज अबाउट द अट्रैक्टिंग एंडिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर एंड टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल यूथ इन एग्रीकल्चर

एग्रीकल्चर रिलेटेड एंटरप्राइजेस हैं उसमें अपने आप को एंगेज करें रूरल यूथ और द सस्टेनेबल इनकम एंड द इम्प्लॉयमेंट इन द सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट तो सारे डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है एट प्रेजेंट अराउंड हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम को चलाया जा रहा है ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्कीम किस हद तक जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल द फार्म यूथ टू स्टैब्लिश अ नेटवर्क ग्रुप टू टेक अप रिसोर्स एंड कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटीज लाइक प्रोसेसिंग वैल्यूएडि एंड मार्केटिंग ठीक है तो उनको अवेयर किया जा रहा है इन सब चीज़ों के लिए कि जो फार्म यूथ है वो कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों यानी कि सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है क्रॉप्स को कल्टिवेट ही ना करें उसमें वैल्यूएडिशन का भी काम करें है ना प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग जो फैसिलिटीज हैं फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हैं उसमें घुसे उसको लॉन्च करें Uh, उसमें जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें एंड uh, उसके मार्केटिंग में ट्रेडिंग में जो है उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व करें सो द पर्पज इज टू इनेबल दिस फार्मर यूथ टू इनेबल देम टू अवेयर देम टू इक्विप देम विद राइट स्किल राइट नॉलेज सो दैट दे कैन गेट इन टू दीज एक्टिविटीज थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू डिमॉन्स्ट्रेट फंक्शनल लिंकेज विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड स्टेक होल्डर्स फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबलियसम्स एंड प्रोग्राम दस्टेनेबल डिवलपमेंट ऑफ यूथ तो बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की जा रही हैं डेली बेसिस पर है ना हर महीने कोई ना कोई नई स्कीम आ जाती है बाय डिफरेंट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है देन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर तो कोशिश की जा रही है कि एक फंक्शन लिंकड जो है वो स्टैब्लिश किया जाए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में यूथ है उनको ज्यादा कन्फ्यूजन ना हो एक फंक्शनल लिंकेज है डेवलप किया जाए ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज कुछ सारी जितनी भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उनको उसके बारे में अवेयरनेस जो है वो रूरल यूथ को प्रोवाइड की जाए एंड दे वुड बी कन्वर्जेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर नाउ इट इज प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू दृशा विज्ञान केंद्राज फार्म साइंस इन ट्वेंटी तो कृषि विज्ञान ये एक तरीके से बिटवीन द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड लोकल इम्प्लीमेंटेशन। अब आई जो है वो रिसर्च कर रही है एग्रीकल्चर चैलेंजेस एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को लेकिन लोकल सेटिंग में लोकल लेवल पे उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए दैट इज डन बाय दीस एग्री एक्सटेंशन सेंटर्स दैट इज द कृषि विज्ञान केंद्रास और यही कृषि विज्ञान केंद्रास आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस आर एस स्कीम नाउ ईच केवीके वुड ट्रेन अबाउट 200 टू 300 यूथ ठीक है 200 से 300 यूथ को जो है वो ट्रेन करेगा इन टेकिंग अप दिस एग्रीकल्चर एलाइड इन सप्लीमेंट्री एक्टिविटी

ठीक है ये पोर्टल लॉन्च किया है मधु मधु क्या होते मधु इज इज हनी सो हनी पोर्टल हनी रेवोल्यूशन पोर्टल एक तरीके से मधु क्रांति पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका एम क्या है फर्स्ट वन इज टू अचीव द ट्रेसिबिलिटी सोर्स ऑफ हनी एंड बिहाइ प्रोडक्ट ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रेसिबिलिटी सोर्स हनी का कहा से जो है वो ओरिजिनेट uh, हो रहा है कहाँ से जनरेट हो रहा है वहाँ से उसको ट्रेस करेंगे उसकी पूरी की पूरी जर्नी को ट्रेस करेंगे और न डिजिटल प्लेटफॉर्म और बाकी भी जितने भी बिहाइव प्रोडक्ट्स हैं उसको uh, यहाँ पे जो है ट्रेसिबिलिटी उसकी ट्रेस किया जाएगा विच इज़ करेक्ट ठीक है इसीलिए इसको किया जा रहा है ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है हनी की दैट कुड बी स्टेब्लिश्ड सेकेंड इज टू हेल्प इन चेकिंग द क्वालिटी एंड सोर्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ हनी तो आप अगर उसकी पूरी जर्नी को ट्रेस कर पाते हैं कि कहाँ से वो जनरेट हो रहा है देन वो कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका और कैसे वो फाइनल स्टेज पे फाइनल स्पेस पे पहुंच रहा है फाइनल सेंटर्स जहाँ से कि कस्टमर उसको बाय कर रहे हैं वो पूरी की पूरी अगर जर्नी को लिंकेज को अगर ट्रेस कर पाएंगे तो वीड ऑल्सो भी एबल टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एडल्ट्रेशन कि कहाँ पे एडल्ट्रेशन हो रहा है कहाँ पे मिक्सिंग हो रही है है ना सो दिस वन इज इज करेक्ट 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 बोथ ऑफ आर ऑप्शन सी

हनी कॉर्नर विल ऑल्सो बी इस्ट तो ये एक हनी कॉर्नर कॉन्सेप्ट है ये ये भी uh, निकल कर आया है तो दिस इज द डिजाइन स्पेस तो नाफेद के जो स्टोर्स होते हैं नाफेद नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तो नाफेद uh, एक डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है टू मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सिस है ना तो इनके जो स्टोर है उसमें एक डेजिग्नेटेड स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा बाय द नेम ऑफ हनी कॉर्नर और यहाँ पर क्या होगा हनी जो है बेचा जाएगा फॉर द सेल ऑफ हनी अब नाफिद के स्टोर्स हैं तो क्या होगा ऑथेंटिकेटेड हनी होगा उसकी ऑथेंटिसिटी स्टाब्लिश की uh, की गई होगी जो कस्टमर्स होंगे दे गुड बाय दैट हनी नाउ थर्ड क्वेश्चन हेयर इज चूज द करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द कॉटन ग्रोइंग कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स तो so, ये करेक्ट सीक्वेंस है जो आपको बताना है कि कौन सा स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा कॉटन uh, जो है प्रोड्यूस कर रहा है एंड किसका जो लैंड है विच हैज़ द मैक्सिमम लैंड अंडर द कॉटन कल्टिवेशन सो दिज आर ऑप्शंस हेयर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वन द महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर कॉटन कल्टिवेशन फॉलोड बाई तेलंगाना

So, first one is right. Maharashtra is the maximum area. This is about cotton production. Maharashtra ranks first in the cotton acreage with 1.04 crore acres under this cash crop. Then, Telangana has recently increased its co uh, cotton acreage to 60 lakh acres. From earlier, it was uh, 46 lakh acres in 2019. And it became the second biggest state in the cotton acreage. गुजरात वॉज ऑलियर द सेकेंड बिगेस्ट कॉटन कल्टिवेटिंग स्टेट ग्रोइंगटन इन अराउंडी सिक्स लैक एकर नाउ गुजरात स्टैंड थर्ड फेवरेबल कंडीशन अगर आप देखें कॉटन कल्टिवेशन की सो फर्स्ट वन इस टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर इसको क्या ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल वोम ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए यानी कि ह्यूमिड भी होना चाहिए रेन भी चाहिए ऑप्टिमम और जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा टेम्परेचर वुड रेंज फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं वहाँ कॉटन प्रॉपरली जो है वह ग्रो होगा रेनफॉल की अगर हम बात करें द एनुअल रेनफॉल ऑफ फिफ्टी फाइव टू हंड्रेड सेंटीमीटर इज आइडियल तो फिफ्टी फाइव टू हंड्रेड सेंटीमीटर इज आइडियल फॉर द कॉटन कल्टिवेशन हार्वेस्टिंग के टाइम पे लेकिन रेन rain, रेनफॉल uh, नहीं होना चाहिए एंड दैट वुड बी हार्मफुल फॉर द कॉटन Frost free days. So, you require minimum 180 frost free days. So, minimum of 180 frost free days are required, while 200 frost free days would be desirable for cotton cultivation. Optimum growth clay, 200 frost free days would be required, but the minimum of 180 days you need that. This is the fourth question. सो इट एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिसेंटली कुछ चेंजेस जो हैं इसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे तो दिस वॉज अबाउट दिस इज अबाउट पी एम एफ बी वॉय फर्स्ट स्टेटमेंट हेयर इज सेंटर हैज मेड द इनमेंट हंड्रेड परसेंट वॉल्ट्री हंड्रेड परसेंट वॉलेंट्री फॉर ऑल द फार्मर्स फ्राम ट्वेंटी ट्वेंटी रावी सीजन ये तो सही है भाई कि इनमेंट जो है वो हंड्रेड परसेंट वॉलेंट्री कर दिया गया है बट नॉट फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी राबी सीजन बट खरीफ सीजन तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है सेकेंड स्टेटमेंट सेंटर्स प्रीमियम सब्सिडीज कैप्ड अंडर दिस स्कीम फॉर प्रीमियम रेट्स ऑफ अपू थर्टी परसेंट फॉर अनइरिगेटेड एरियाज एंड क्रॉप्स। एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉर द इिगेटेड एरियाज एंड क्रॉप्स दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट पहले जो था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर सेंटर्स के प्रीमियम पे कोई भी जो है लिमिट नहीं लगाई गई थी उनकी सब्सिडी में कोई कैप नहीं लगाया गया था बट नाउ इट इज कैप्ड एट द प्रीमियम ऑफ थर्टी थर्टी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट तो दिस वन इज करेक्ट करेक्ट ऑप्शन इज बी दैट इज सेकेंड ओनली देखो तो अब यहाँ पे प्रीमियम में इसमें क्या है इन्होंने कैप लगा दी है इसकी वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज होंगी दे वुड बी मोर एक्टिव है ना मोर प्रो एक्टिव इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स अर्लियर उनको क्या लगता था कि ठीक है सेंटर पे करेंगे तो उनको ज़्यादा कोई मतलब नहीं था तो बेसिकली ये इंश्योरेंस कंपनीज को एंगेज करने के लिए कुछ कुछ चेंजेस जो हैं वो लाए गए हैं सो दिस वाज दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन थर्टीन जनवरी 2016

स तो so, क्या है इसका? देखें, आप अंदाजा लगा सकें कि जो क्रॉप फेलियर है वो हुआ है नहीं है प्रीवियस डेटा है उससे आप कंपेयर करेंगे तो फूड ऑयल सीड क्रॉप्स प्लस कमर्शियल क्रॉप्स आर कवर्ड प्रीमियम अगर देखें सो so इट्स टू परसेंट फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स जितनी भी खरीफ क्रॉप्स हैं उन सभी के लिए टू परसेंट है और जितनी भी राबी क्रॉप्स हैं यानी विंटर क्रॉप्स जो है उसके लिए वन पॉइंट फाइव परसेंट है दिन जो कमर्शियल कैश क्रॉप्स होती है या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं उनके लिए द प्रीमियम प्रीमियम इज फाइव परसेंट ठीक है नाउ इट इज मेड कंप्लीटली वॉल्ट्री पहले जो लोग भी लोनी फार्मर्स होते थे उनके लिए दिस वॉज कंपल्सरी Now it's voluntary, 100% voluntary. Center ka jo premium subsidy. Palette there was no limit on it. Now it's capped. So we have already discussed this. Now latest technological tools have also been used. This is the first time that to assess the crop loss, satellite imagery or remote sensing technology, drones or artificial intelligence and machine learning are used. Yeah. सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो भी अवेलेबल है हमारे पास उनको यूज किया जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स तो देर इज दिस पोर्टल फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इट सेज़ द फर्स्ट एवर डोंकीज़ मिल्क डेरी इज गोइंग टू बी सेटअप ओपन इन हरियाणा ठीक है तो डोंकी मिल्क डेयरी अभी तक आपने देखा होगा बेफेलो इस मिल्क की डेयरी होती थी लेकिन पहली बार डोंकी जो मिल्क की जो डेयरी है दैट इज गोइंग टू बी ओपन इन हरियाणा एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट

so national uh, Horses center is going to establish this in the hisar district of haryana and you also need to remember the breed of these donkeys so 10 donkeys of halari breed halari breed have been ordered from gujarat benefit can it has been observed that the donkey's milk has many medicinal properties mm -hmm. medicinal properties hai, immune system you have a boost karta hai. And it is also been used in uh, various medicines. This is also been used for treating cancer, obesity, some allergic diseases, and it's good for your immune system. So it's boost uh, boosts your immune system. So this is also very important. Remember this breed and where it's going to be set up and who's going to establish this dairy. So these are two three things that you need to remember. So, we are done with today's session, and I hope you like it. In case you have any queries, you can post it down, and we'll definitely try to uh, answer that. You can also post your queries on the Telegram channel, right? So, thank you so much. We'll see you in the next session.